नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका जेन इनोवेशंस में। दोस्तों, मार्च का महीना जस्ट खत्म हुआ है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू मेक दिस सोलर सेविंग वीडियो फॉर यू। और इस तरह का सोलर सेविंग वीडियो अगर आपको पिछले महीने का देखना है, मतलब फरवरी का, तो आपको यहाँ पे आई बटन में जो है वीडियो मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं मेरे सोलर पैनल। ये टोटल मिला के जो है 1040 वैट का सोलर सेटअप है। पैनल का कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डेडिकेटेड सेटअप टूर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप हिंदी और इंग्लिश सेटअप डिटेल में देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं एक्साइटमेंट की। दोस्तों, इस मार्च के वीडियो के लिए मैं इतना एक्साइटेड इसलिए हूँ कि मैंने यहाँ पे मेरे सोलर सेटअप के ऊपर ऐड किए हैं कई सारे होम अप्लायंसेस। पहले अप्लायंस की बात करें तो मैंने यहाँ पे LG की तरफ से काफ़ी बड़ा भीमकाय 547 लीटर, जी हाँ दोस्तों, 500 लीटर से भी बड़ा फ्रिज खरीदा है और उसको UTL गैमा प्लस के ऊपर कनेक्ट कर दिया है। इसका रिव्यू वीडियो भी मैंने बना लिया है, जल्द ही चैनल के ऊपर रिव्यू पब्लिश हो जाएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी हम आते हैं दूसरे होम अप्लायंस की ओर। तो यहाँ पे जो दूसरा होम अप्लायंस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है मोटरोला का 10.5 kg वॉशिंग मशीन। और हमेशा की तरह मेरा जो अप्लायंस है काफ़ी बड़ा है दोस्तों, 10.5 kg का जो वॉशिंग मशीन है वो कोई छोटा नहीं होता है। और यहाँ पे सक्सेसफुली इसको मैं UTL गैमा प्लस के ऊपर बिल्कुल हर रोज़ चला रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे जो एक्साइटमेंट का मतलब है वो ये है कि इतने सारे गैजेट्स लगाने के बाद में हमारे सोलर का जो सेविंग है वो कितना हमें दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं नीचे हमारे UTL गैमा प्लस की ओर और फिर यहाँ पे इसके जो रीडिंग्स हैं वो लेते हैं। दोस्तों, जब सोलर इन्वर्टर की बात आती है तो मेरे पास में है UTL गैमा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट मॉडल। इसका रिव्यू आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाइंग लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, सोलर सेविंग का रीडिंग लेने के लिए हमें जो है डिस्प्ले को स्क्रॉल करके किलोवाट आवर्स के विंडो में जाना होगा। और ओहो, मैं यहाँ पे जो है आपको डेट एंड टाइम बताना भूल गया। तो आज का जो रीडिंग है वो मार्च 1 का है और रात के करीब 10:15 हैं, ताकि सोलर एनर्जी का जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे ना रहे। तो फटाफट जो डिस्प्ले है उसको मैं होल्ड कर लेता हूँ और हम आ गए हैं किलोवाट आवर्स के विंडो में। थोड़ा सा हम कैमरा जो है फोकस कर लेते हैं और जो रीडिंग है वो हम देख सकते हैं 689.7 इसका करंट रीडिंग है। ये वाला जो रीडिंग है ये हमें याद करना होगा और नेक्स्ट मंथ की रीडिंग से इसको हम माइनस करके पूरे महीने का सोलर सेविंग फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों बैठिए टाइम मशीन में और हम मिलते हैं नेक्स्ट मंथ। गाइज, यहाँ पे अप्रैल लग चुका है, आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम। और हमेशा की तरह जो रीडिंग है वो मैं रात के समय लेता हूँ 9:30 बजे, मतलब सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होती। तो जो डिस्प्ले है उसको मैंने पहले ही होल्ड कर रखा है। आइए हम स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करने के साथ ही साथ आप इसके मेट्रिक्स देख सकते हैं। और जो मेरा मेंस का बटन रहता है वो बंद रहता है, मतलब 24 घंटे मेरा जो ये सोलर सिस्टम है ये सोलर एनर्जी और बैटरी मिला के चलाया जाता है। तो अभी हम जो डिस्प्ले है इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं और अभी हम आ गए हैं किलोवाट आवर्स के सेक्शन में। और जो रीडिंग आया है किलोवाट आवर्स का वो काफ़ी हेल्दी है, 806.5। और पिछला रीडिंग अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो जो पिछला रीडिंग था दैट वाज 689.7। अगर हम इन दोनों फिगर्स को माइनस कर लेते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो पूरे महीने का जो सेविंग है वो हमारे सामने आ जाएगा एंड दैट इज़ 116.8। और आप लोग अगर मेरे पिछले जो है वीडियोज़ देख चुके होंगे तो आपको यहाँ पे अंदाज़ आ गया होगा कि जो रीडिंग आया है इस मंथ का काफ़ी ज़्यादा आया है। आइए इसको हम जो है पर डे कैलकुलेट कर लेते हैं। और जो मार्च महीना होता है कंप्लीट 31 डेज़ का होता है, तो जो यहाँ पे जो फिगर है 116.8 इसको मैंने डिवाइड कर लिया 31 से और पर डे का यहाँ पे जो सेविंग आया है 3.76 यूनिट्स इसने हमें बचा के दिए हैं। दोस्तों, आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट दिस फिगर, क्योंकि इसके पहले जो जनवरी या फरवरी महीने के जो रीडिंग आते थे 1.5 यूनिट 2 यूनिट के आसपास आ रहे थे और अभी जो सेविंग है वो लगभग डबल हो चुका है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से जो है आपके घर पे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके आपके जो बिजली का बिल है उसको बचा सकते हैं, ग्रीन एनर्जी इंटीग्रेट कर सकते हैं। UTL गैमा प्लस या फिर जो भी आपके ये अलग अलग होम अप्लायंसेस बताए गए हैं इस वीडियो में, अगर आपको परचेस करने हैं तो इसका जो बाइंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसके प्राइजेस चेक कर सकते हैं या अप्लायंसेस ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको सोलर एनर्जी में इंटरेस्ट हो तो काफ़ी बड़ा एक लंबा चौड़ा प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है,
प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें सोलर एनर्जी से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस भरे पड़े हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस लिटिल वीडियो गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।